अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे वो है कि व्हाट्सएप का स्टेटस जो होता है वो आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का स्टेटस डाउनलोड करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर। इसका लिंक मैं अपने कमेंट्स में दे दूँगा और आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं और सबसे पहले स्टेटस सेवर में जाते हैं। तो ये देखें, अभी मेरे यहाँ पे कुछ आ रहे हैं स्टेटस, लेकिन मैं जिसका डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं व्हाट्सएप अपना ओपन करूँगा और स्टेटस में जाऊँगा। स्टेटस में जाके मैंने जिसका स्टेटस डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करूँगा और इसको ऑफ कर लूँगा। अभी मैं दोबारा सॉफ्टवेयर में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि उसका सॉफ्टवेयर मेरे उसका स्टेटस आ गया। अभी इसको मैंने जाना है, जिसको सेव करना है इस पर क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब ये मेरे सेव्ड में आ जाएगा। अब अगर इसको मैंने किसी को भी सेंड करना है तो दोबारा व्हाट्सएप में जाऊंगा और जिसको सेंड करना है या मैं अपने स्टेटस पे लगाना है तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। ये जो लिंक नीचे आ जाता है इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करके आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका स्टेटस लग जाएगा, या आपने किसी को सेंड करना है तो सेंड भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखते हैं। इसके अंदर व्हाट्सएप क्लीनर है, अगर आप अपने व्हाट्सएप से वीडियोस डिलीट करना चाहते हैं, इमेज जो वो चीज़ सेलेक्ट करें और डिलीट भी कर दें तो वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएंगी। क्विक रिप्लाई है, अगर आप किसी को रिप्लाई करना चाहते हैं, अपना नंबर उसका सेव नहीं है तो सिर्फ उसका यहाँ पर नंबर लिखें और ऐड कर लें तो क्विक रिप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी का नंबर सर्च करना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे है या नहीं तो उसका यहाँ पे नंबर लेके सर्च करेंगे तो वो आपका उसका नाम आ जाएगा कि किसके उस नंबर पे आईडी बनी हुई है। किसी ऐसे बंदे को आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं जिसका नंबर आपके पास सेव नहीं है। अब अक्सर ये होता है कि आपने किसी को भी व्हाट्सएप करना है तो उसके लिए पहले उसका नंबर सेव करना पड़ता है, तो आप उसका नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नंबर लेके मैसेज